हेलो एंड वेलकम टू बैड एस हैमलेट। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक घर की कंप्लीट रेनोवेशन फ्रॉम नथिंग टू फुली फर्निश्ड। बिल्डर से फ्लैट मिलने के बाद इस फ्लैट पे तकरीबन 1.5 महीने तक के काम चला और जैसे आप देख रहे हो ये फ्लैट कम्प्लीटली खाली था और इस पे काफ़ी काम हुआ, जैसे कि गैलरीज़। ये गैलरीज इनिशियली काफ़ी लो थी तो इसे भरा गया और इस पे फिर टाइलिंग का काम हुआ। पूरे घर में जो गैलरीज थी, जो हॉल की, किचन एंड दो बेडरूम की गैलरीज, सभी गैलरीज में ये काम हुआ, इन्हें भरा गया और इस पे टाइलिंग का काम हुआ। हॉल और कॉमन बाथरूम के लिए हमने यहाँ पे 450 लीटर्स के दो टैंक्स लगाए और मास्टर बेडरूम के लिए एक बड़ा टैंक 900 लीटर्स का वहाँ पे लगाया गया। किचन में भी हमने वाटर टैंक लगाया जो कि तकरीबन 250 लीटर्स का वाटर टैंक है। यहाँ पे कारपेंटर का सेफ्टी डोर का काम हमने यहाँ पे स्टार्ट करा दिया था और दूसरे फर्नीचर का भी काम स्टार्ट हो गया था और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कंसील इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम भी हमने स्टार्ट कर दिया था। किचन में चिमनी फिट करने के लिए उसका आउटलेट बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पे हम किचन में कोर कटिंग कर रहे हैं। बेसिकली ड्रिल करके इसे यहाँ पे मशीन के थ्रू दीवार में एक होल करना होता है जिससे किचन में चिमनी का आउटलेट बाहर निकल सके।
पेंटिंग के काम के साथ साथ हमारा फर्नीचर का काम भी चल रहा था, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सेफ्टी डोर का काम भी स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा काम बाकी है। और यहाँ पे हमारा कुछ फर्नीचर आके लग चुका है और कुछ फर्नीचर अभी लगना बाकी है। सारा घर फर्नीचर और सामान से भरा हुआ है और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये काम ख़त्म होगा और कब हम फाइनली यहाँ पे सेटल हो सकेंगे। हॉल में इस दीवार पे हमने कॉपर फिनिश का ग्लास लगाया है जो काफ़ी क्लासी और एलिगेंट लगता है। स्पेशली जो लाइटिंग है इसके साथ में इसका इफेक्ट और एनहांस होता है। तो गाइज़ ये है हमारा फाइनल आउटपुट। एक डेढ़ पौने दो महीने की मेहनत के बाद ये है घर जो काफ़ी मेहनत से हमने बनाया है। सो आई होप आपको ये रेनोवेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर एज़ वेल। Thank you for watching Badass Hamlet and peace to you.